हेलो गाइस, आप लोगों का वेलकम है। देखिए, रियल एनालिसिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम है। आगे के जो मैथ्स हैं, खासकर जो प्योर मैथमेटिक्स है, तो उसमें रियल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आपके पास होना, अच्छा कॉन्सेप्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इनफैक्ट बीएससी के बाद अगर आप एमएससी करते हैं, या आप गेट का एग्ज़ाम लिखते हैं, या एमएससी के बाद आप नेट का एग्ज़ाम लिखते हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे अभी से, तो आपको खूब मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए, जो सेमेस्टर 2 का हमारे पास सिलेबस है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सारा थ्योरेटिकल ही है, ठीक है, सारा प्योर मैथमेटिक्स है, बल्कि इसमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम लोगों को सीरीज़ का कन्वर्जेंसी और सीक्वेंस का कन्वर्जेंसी भी पढ़ना है, तो वो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार रहेगा। जिस तरीके से आपका लाइक 11th और 12th का मैथ था, उस तरीके से आपको फील होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपको अच्छे से समझना है। तो थोड़ा सा ये प्योर मैथमेटिक्स के फॉर्म में होगा, तो आपको अपना माइंड को सेट करना है, और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, खूब मज़ा आएगा आपको। और मैं एक बात बता दूं कि जब आप मतलब इसको पढ़ें, तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठें और नोट्स बनाएं और इसको समझें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इसका जो टर्म्स है उससे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आता है अपर बाउंड। अपर बाउंड, ठीक है, जैसे इसका नाम है, अपर बाउंड है ना, तो नाम से ही क्लियर है कि जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा वैल्यू जो कि बाउंड कर देता हो किसी भी सेट को अपर से, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? डिफाइन करेंगे, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ओके, ए रियल कैपिटल एम इज सेट टू बी अपर बाउंड ऑफ एस इफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। देखिए, काफी सिंपल चीज है, अच्छे से आपको समझना है। बोलता है कि एस अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सेट तो आप जानते हैं, ठीक है, तो एक रियल वैल्यू कैपिटल एम को हम इस को अपर बाउंड बोलेंगे, कि सेट का अपर बाउंड है कब? जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, यानी इसका जो सारा एलिमेंट है वो एम से क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। यानी अगर आप कोई सेट लेते हैं, तो उस सेट का अपर बाउंड कौन होगा? ऐसा वैल्यू होगा जो सेट के सारे एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो या तो बराबर हो, ठीक है, ओके। जैसे आइए, एक मैं यहां पे नोट लिख देता हूं, नोट, ये नोट भी इंपॉर्टेंट होगा। क्या जो एम होगा आपका, कैपिटल एम में अटेंड और मे नॉट अटेंड इन एस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है और ये एक टर्म है जो आपको समझना है। कब हम लोग अटेंड का यूज करेंगे? अगर कैपिटल एम मेरा सेट में से होगा तो हम अटेंड बोलेंगे, ठीक है, और अगर सेट में से नहीं होगा तो नॉट अटेंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी दिया रहता है क्वेश्चन वगैरह में, अटेंड है कि नॉट अटेंड है, ओके, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, ठीक है, लेट हम लोग एक सेट ले लेते हैं, सेट, ठीक है, ऑफ एक्स, एक्स इज रियल नंबर सच दैट एक्स इज लाइंग बिटवीन 1 to 6, ठीक है। अब आप समझिए, हाँ, मतलब कि आपके पास जो सेट है वो कैसा सेट है? वो सेट ऐसा है कि जो रियल नंबर का सेट है और 1 से 6 के बीच में आपका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखें, तो ये मेरा हो गया 1 और ये हो गया मेरा 6, ठीक है। तो 1 से 6 तक का सारा वैल्यू जो है उसका हम लोग सेट बनाए हैं, ठीक है। अब आप देखिए, 6 के बाद क्या क्या आता है, तो 6 के बाद आप देखेंगे तो 6 के बाद 7 आता है, ठीक है,
8 आता है, 9 आता है, बहुत सारा वैल्यू आता है, ठीक है, 21 आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है, 100 भी आएगा, ओके, तो बहुत तरह के वैल्यू मिलते हैं हमको, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो अपर बाउंड है ना, वो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, अपर बाउंड, क्योंकि आपका जो सेट है वो क्या है, वो है आपका 1 से, 1 पे क्लोज्ड है, ठीक है, और 6 पे भी क्लोज्ड है, यानी 6 के आगे सेट आपका नहीं जा रहा, और 1 और 6 के बीच में सारा वैल्यू है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो 7, 8, 9, ये सारा जो वैल्यू है ना, ये सब अपर बाउंड कहलाएगा इस सेट एस के लिए, ठीक है। इसलिए कि 7 जो है, सारा एलिमेंट जो एस का है वो 7 से छोटा है, तो 7 अपर बाउंड हो गया। लाइक दैट सारा एलिमेंट एस का 8 से छोटा है, तो 8 भी अपर बाउंड हो गया। तो इस तरीके से ये 7, 8, 9, ये सारा क्या कहलाएगा, अपर बाउंड, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हियर फॉर एस, जो सेट आपका एस है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7, 8, 9, ये सब जितना भी है आपका, ठीक है, कुछ भी, 21 जो कि ग्रेटर है 100, ठीक है, ऑल आर अपर बाउंड्स। बात फॉलो कर रहे हैं, काफी सिंपल चीज है, ठीक है। क्यों, इसलिए कि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एस के पास जितना भी एलिमेंट है ना, उस सारे एलिमेंट से ये सब वैल्यू बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू है ये सब, तो ये अपर बाउंड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे था कि या तो बड़ा हो या तो क्या हो, इक्वल हो। तो आप देख रहे हैं कि 6 जो है, जो सेट का ही एलिमेंट है, तो 6 भी क्या होगा, अपर बाउंड होगा, क्योंकि जितना भी एलिमेंट है तो सारा एलिमेंट क्या है आपका, 6 से भी छोटा है या बराबर है, क्योंकि खुद 6 6 के बराबर होगा, और बाकी जितना भी एलिमेंट होगा इधर सेट में, वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, 6 भी अपर बाउंड हो गया। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो मेरा 6 है, ठीक है, वो क्या है, वो अटेंड है, क्योंकि सेट का हमको एलिमेंट मिल गया, ऐसा एलिमेंट मिल गया जो अपर बाउंड भी है और सेट में भी है, तो ये अटेंड हो गया, और बाकी सारे क्या हो गए, नॉट अटेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही मार्क करके लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट में कर लीजिएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अटेंड, अटेंड इन एस, ठीक है, और बाकी सारे जो वैल्यू हैं वो क्या है, वो नॉट अटेंड इन एस, है ना, चूंकि ये अपर बाउंड है, एक रियल नंबर है, लेकिन ये सारे वैल्यू क्या है, अटेंड नहीं करते, नॉट अटेंड इन एस, ठीक है। तो काफी सिंपल है, ज्यादा इसके बारे में और भी कुछ बात नहीं करना है, ठीक है, जो सिंपल है सो सिंपल है, और आपको काफी मजा आएगा, आप बस उसको ध्यान देते जाइए और इसको अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। ये हो गया अपर बाउंड। अब आइए हम देखते हैं, इसी का उल्टा है वो क्या है, लोअर बाउंड, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, लोअर बाउंड। अपर बाउंड में जैसे हम लोग देखें ना, कि हमको ऊपर से बाउंड मिलना चाहिए, यानी आगे ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए जो सेट से क्या हो, ग्रेटर हो। लोअर बाउंड में क्या हो जाएगा, हमको पीछे ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए जो सेट से छोटा हो, ठीक है। तो काफी सिंपल होगा, क्या लिखेंगे, उसी तरीके से, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ए रियल स्मॉल एम इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। इफ, कब बोलेंगे, जाहिर सी बात है उसको उल्टा करके लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा हो गया, क्लियर है ना। अब हम लोग वही एग्जाम्पल लेकर के बात कर सकते हैं, यहां पे भी वही नोट होगा, इस नोट को आप लिख लीजिएगा कि ये जो वैल्यू है ये एस का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, स्मॉल एम मे अटेंड और मे नॉट अटेंड इन एस, ठीक है, ओके। अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल लेके, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसी एग्जाम्पल में काम हो जाएगा, उसी अगर एग्जाम्पल में देखा जाए, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, तो इस एग्जाम्पल में देखिएगा, तो इधर जो वैल्यू है आपका, जितना भी सारा, जैसे 0 होगा, ठीक है, -1, -2, ये सब से जितने भी वैल्यूज हैं, तो सारे वैल्यू क्या है,
जो सेट का एलिमेंट है बीच में, एक से सिक्स के बीच में, तो इन सारे एलिमेंट से क्या है, ये सब स्मॉलर है, ठीक है, एक और सिक्स के बीच में जो भी वैल्यू है उनसे स्मॉलर वैल्यू है ये, तो ये सारा क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, और वन भी लोअर बाउंड हो जाएगा क्योंकि वन एस में है, और वन का जो सारा वैल्यू है इसका, इसका जो सारा वैल्यू है वो या तो वन के इक्वल है, खुद वन वन के इक्वल है, ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट है वो वन से क्या है, ग्रेटर है, यानी वन उनसे स्मॉलर है, इसलिए वन भी मेरा लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इन एवव एग्जाम्पल, इन एवव एग्जाम्पल, ठीक है, वही एग्जाम्पल आपको लेना है जो एस आप लिए थे, क्या सेट ऑफ एक्स रियल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 1 to 6, ठीक है, ये जो आप लिए थे, ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लिखेंगे सारा ये सब जो वैल्यू है, ठीक है, -3, -2, -1, 0, इधर और भी हो सकता है -4, ठीक है, ये सारे वैल्यू हैं, ओके, और इसमें एक वैल्यू और हम लोग मिला लेंगे, वो क्या, 1, जो कि सेट का वैल्यू है, ऑल आर लोअर बाउंड्स, ये क्या है, ये है लोअर बाउंड, क्लियर है, ठीक है, जिसमें ये जो है आपका ये अटेंड है 1, और बाकी सारे क्या है, नॉट अटेंड है, ठीक है, ओके, तो ये आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका अटेंड है, 1 आपका अटेंड है, ठीक है, और बाकी जो है वो आपका नॉट अटेंड है, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये सब जो है ये क्या है, ये आपका नॉट अटेंड, ये सेट में नहीं है, ठीक है, लेकिन लोअर बाउंड है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोअर बाउंड कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा वैल्यू जो आपके सेट के सारे वैल्यू से क्या है, छोटा है, और अपर बाउंड ऐसा वैल्यू जो आपके सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, तो काफी सिंपल है ये, आगे देखिए कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, ये सिंपल तो है बट ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये सब डेफिनेशन आता रहता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है, तो यहां पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक डेफिनेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है LUB, जैसा दिख रहे हैं, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, और इसका एक और नाम है, वो क्या है, वो है सुप्रीमम। ये सब नाम को आपको अच्छे से समझ लेना है, इसलिए कि आपको एग्जाम में किस नाम को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ठीक है, वहां पे पता करना पड़ता है, ठीक है, तो जो नाम है ये सारा नाम आपको ये होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, और देखिए बिल्कुल जो है ये आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। एक तो देखिए लिस्ट अपर बाउंड, तो ये तो अपने नाम से ही क्लियर है कि जो हम लोग अपर बाउंड पढ़ रहे थे उसमें जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, ओके। और सुप्रीमम, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये सारा अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड यानी क्या, सुपर वैल्यू हुआ, तो इसको हम लोग सुप्रीमम से याद करेंगे, शॉर्ट में SUP, ठीक है। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं, ठीक है, काफी अच्छे से आप समझ पाएंगे इसको, तो देखिए कैसे समझाता हूं, ठीक है। इसका पहले डेफिनेशन देखिए, क्योंकि डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है, और इस बार भी आएगा, तो देखिए क्या है, लेट कैपिटल SBA, आपको जब एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है ना, तो आपको कंजूसी नहीं करना, ठीक है, पूरा लिखना है, जबकि अच्छे से डिफाइन कीजिएगा, इसलिए कि अब जो आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें एक वर्ड छोड़ने से आपका मैथ चेंज कर जाता है, आपका स्टेटमेंट चेंज कर जाता है, और एक वर्ड बढ़ाने से भी स्टेटमेंट चेंज कर जाता है, ठीक है। इसलिए जैसे मैं लिख रहा हूं पहले ऐसे याद कीजिए, जब आपको याद हो जाएगा तो फिर आप खुद से इसको लिखने लगेंगे, ठीक है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्लियर, ठीक है, बाउंडेड एवव, ओके, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड निकालना है तो हमको ऐसा सेट लेना होगा कि जो बाउंडेड एवव हो, ठीक है, तभी हम लिस्ट अपर बाउंड का बात कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो आपको एवव बाउंड मिलेगा, यानी बाउंडेड एवव का मतलब क्या हो गया। अच्छा, ये जो टर्म आया है ना, तो देखिए मैं नोट लिख दूंगा, ठीक है, कि ऐसा सेट जिसका अपर बाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड एवव बोलते हैं, ठीक है, तो यानी एक सेट ऐसा है जिसके पास अपर बाउंड है, जैसा अभी हम लोग पीछे एग्जाम्पल देखे, तो उसके पास तो वो बाउंडेड एवव कहलाएगा, ठीक है, तो आपको पहले बाउंडेड एवव सेट लेना है, ठीक है, फिर क्या है, देन ए रियल नंबर, ए
रियल नंबर कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम में रियल नंबर ले लिया, इज कॉल्ड सुप्रीमम, ठीक है, या बोलिए एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस होल्ड, टू कंडीशंस होल्ड, ठीक है, ओके, क्या क्या कंडीशन है? नंबर वन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस. नंबर टू, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सलम, ठीक है, ये एप्सलम लिया हूं, ओके, एप्सलम देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सलम, ठीक है. अभी देखिए आप, ये आप इन सब को अच्छे से नोट बनाइए और याद कीजिए, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. और अभी तो आपने मैथ्स में बहुत कम कुछ देखा है, 11, 12 और सेमेस्टर 1 को देखा होगा. अब आप जब यहां से देखेंगे ना तो आपको मैथ का ब्यूटी मिलेगा, ठीक है. तो उसका मजा लेने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है आपको, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाएं तो आपको इसका मजा आएगा, अगर आप मुझको कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, ठीक है. और अगर आप डंडी मारेंगे और सोचेंगे कि थोड़ा शॉर्ट करके लिखें तो आपको दिक्कत हो सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए अभी आप बिल्कुल जो है मतलब कि पूरा हमको जो है वो कॉपी करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मेरा सुप्रीमम है वो क्या होगा. हाँ, तो सुप्रीमम, कैपिटल एम को सुप्रीमम कहेंगे, कब कहेंगे? दो बात, पहले तो ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, वो यहां पे मिस्टेक कर दिए ना, ग्रेटर देन नहीं, सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू एम, ओके, इसका करेक्शन कर लीजिएगा, क्या होगा यहां पे? लेस देन इक्वल टू एम, क्लियर है, ठीक है. क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड, तो इसमें दो चीज हमको बताना है, एक हमको पहले बताना है कि इसके पास में अपर बाउंड है, अब फिर बताना है कि वो अपर बाउंड क्या है, लीस्ट है यानी सबसे छोटा है, ठीक है. तो पहले अपर बाउंड, तो अपर बाउंड के लिए जो डेफिनेशन था जिसमें आपका एक्स था क्या, लेस देन इक्वल टू एम, तो वही बात लेंगे, ठीक है. यहां पे हम लोग वही चीज लिए हैं, क्या, एक्स लेस देन इक्वल टू एम, ओके, क्लियर है. अच्छा, और दूसरा में इसको लीस्ट करना है, मिनिमम, तो बोल रहा है ना कि फॉर इच पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी अगर रियल नंबर एप्सिलॉन लिया जाए तो हमको एक ऐसा रियल नंबर सेट का मिल जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, सेट का एलिमेंट बड़ा हो जाएगा. अगर हम एम में एप्सिलॉन को माइनस करते हैं तो सेट का एलिमेंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है. एक्चुअली क्या है, बहुत देखिए ब्यूटीफुल डेफिनेशन लिखा हुआ है, कहले वेल डिफाइंड डेफिनेशन है ये सुप्रीमम का, ठीक है. तो आपको देखिए मैं जैसे समझाता हूं, हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे ना, जैसे नंबर लाइन पे हम लोग एक सेट लिए थे, ठीक है. कैसा सेट था ये? ये सेट था मेरा 1 से लेकर के 6 तक का, ठीक है. इसी सेट में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है. ये जो हम लोग का सेट था, तो देखिए ये जो सेट हम लोग लिए थे 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको ताकि आपको समझ में आए, एग्जाम्पल, ठीक है. लेट एस इक्वल टू क्या है, सेट है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट जो आपका वैल्यू है वो 1 से लेकर के 6 तक है, ठीक है, ओके, क्लियर है. देखिए ये जो हमारा सेट है ये, ओके, तो अब आप देखिए कि 1 से लेकर 6 तक का आपके पास एक सेट है, हाँ, और इसके पास जो अपर बाउंड हो जाएगा वो सारे हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है, ओके. अच्छा, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं इसलिए कि चूंकि ये रियल नंबर का सेट है तो 6.1 भी जो है वो क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, इनफैक्ट 6.01 भी क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है. यानी अगर आप 6 में कोई भी एप्सिलॉन ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपर बाउंड, ठीक है, चूंकि ये सेट जो है मेरा वो 6 तक है, ओके. तो 6 के बाद कोई भी वैल्यू क्या होगा, अपर बाउंड होगा. तो समझाने के लिए मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूं 7, 8, 9, 10 ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है.
तो अब देखिए ये जो सेट है, तो इस सेट के लिए सारे ही अपर बाउंड हैं, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 6, 7, 8, 9, ठीक है, आर क्या, आर अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स ऑफ एस, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपका सेट का अपर बाउंड है, ठीक है। तो इसमें सबसे लीस्ट कौन है, तो सबसे लीस्ट देखिएगा तो ये है जो सेट में मौजूद है, ठीक है, सेट में अटेंड करता है, और इनमें सबसे छोटा है, ठीक है, लीस्ट एमंग देम, लीस्ट एमंग देम इज 6, ठीक है। तो इसलिए आपका एल यू बी क्या हो जाएगा, एल यू बी हो जाएगा आपका 6, ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड में सबसे छोटा 6 है, तो ये लीस्ट अपर बाउंड हो गया, ठीक है। यानी किसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रीमम एस बोलेंगे, सुप्रीमम एस, ठीक है, एस यू पी एस, तो ये सुप्रीमम हो गया। तो डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो लेकिन यहां पे जो दोनों क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो देखिए, अगर 6 की हम बात करें, तो 6 मेरा ऐसा वैल्यू है जिससे सेट का सारा वैल्यू क्या है, छोटा है। तो पहला प्रॉपर्टी हिट कर रहा है कि सेट का सारा एलिमेंट उससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर भी है। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि अगर हम इसमें कुछ भी घटा दें, 6 में, 6 में अगर आप कुछ भी घटाइएगा तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हम 6 में 0.5 घटा देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5.5। अगर आप 6 में 0.5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5, ठीक है। तो 5.5 के बाद भी सेट मिलेगा 5.6, 5.7, तो ये वही बोल रहा है कि अगर आप उसमें कुछ घटा देंगे ना, तो आपके पास एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा कम से कम इसमें, जो अब उससे बड़ा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 6 में 0.5 माइनस कर दिए तो आपका 5.5 आ गया। तो अब सेट के पास एलिमेंट है 5.6, 5.7, 5.8, जो कि इससे बड़ा है। तो ये वही बोल रहा है, यानी अगर हम बहुत छोटा वैल्यू भी घटा दें, जैसे 0.001 घटा दें 6 में, ये एप्सिलॉन मेरा बहुत छोटा हो सकता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.0099 कुछ हो जाएगा, ठीक है, या 5.999 कुछ हो जाएगा। तो चूंकि ये रियल नंबर है, तो आपको पता है कि 5.999 के बाद भी रियल नंबर होगा जो 6 के क्लोज होगा, और वो भी कम से कम जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये इतना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, काफी बेहतरीन डेफिनेशन है कि अपर बाउंड होने, लिस्ट अपर बाउंड होने के लिए पहले तो अपर बाउंड होना है, और दूसरा लिस्ट होने के लिए ये जरूरी है कि उसमें अगर कुछ भी माइनस करें, थोड़ा सा बिल्कुल जीरो के बराबर का वैल्यू भी माइनस करें, तो कम से कम हमको एक ऐसा एलिमेंट एस का मिलेगा जो अब उससे बड़ा हो जाएगा, समझिए आप। यानी ये बता रहा है कि यानी एम बिल्कुल बाउंड्री का वैल्यू है, बिल्कुल बाउंड्री का लिमिटिंग वैल्यू है, जहां इसमें थोड़ा कम कीजिएगा तो अब सेट का कोई एलिमेंट बड़ा हो जाएगा। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि एम क्या है, मेरा सुप्रीमम है ना, यानी लीस्ट अपर बाउंड है, बिना बिल्कुल लीस्ट वैल्यू है, बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू है, जहां इसमें थोड़ा कम करेंगे तो अब सेट का कोई एलिमेंट इससे बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आपको काफी कुछ समझा दिए, ठीक है, आपको समझने के लिए इतना बहुत है, इस पर थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे, और अभी ज्यादा मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि अभी जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके माइंड में उस हिसाब से सोचने का सलाहियत पैदा होता है, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने देकर समझा दिया आपको कि इस तरह का जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे उसमें जो लिस्ट अपर बाउंड है वो 6 है, और बाकी जो है 6, 7, 8, 9 ये सारे क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अब लोअर बाउंड करेंगे, उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोअर बाउंड को कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, GLB शॉर्ट में क्या बोलेंगे, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। और इसको बोला जाता है इनफीमम, इनफीमम, ठीक है, शॉर्ट में INF, ठीक है, ओके, क्लियर है। ये सब आपको अच्छे से काफी अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इन सबको याद करने में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफीमम, क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा,
अगर डेफिनेशन आप लिखेंगे ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लेट कैपिटल एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट ठीक है ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड बिलो, क्लियर ठीक है, देन ए रियल नंबर स्मॉल एम इज कॉल्ड जी एल बी और इनफीमम ऑफ एस इफ फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, टू प्रॉपर्टीज ठीक है होल्ड्स, नंबर वन क्या ये जो मेरा एक्स है वो क्या होना चाहिए, अब ग्रेटर देन इक्वल टू एम होना चाहिए, यानी एम क्या होना चाहिए स्मॉलर देन और इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, और नंबर टू ए ठीक है कि फॉर इच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए देयर एग्जिस्ट ए एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एस ओके सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन एम प्लस एप्सिलॉन, उसके जस्ट उल्टा है ये ठीक है। पहले तो जैसे कि डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड में, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट, तो पहले तो आप लोअर बाउंड डिफाइन करेंगे, लोअर बाउंड का मतलब ये हो गया ठीक है कि लोअर बाउंड कैसे डिफाइन किया जाता है कि सारा एलिमेंट जो है सेट का वो किसी एलिमेंट से बड़ा होगा ठीक है, यानी कि जो लोअर बाउंड है वो एस के सारे एलिमेंट से क्या होता है छोटा होता है या तो बराबर होता है ठीक है। अब उन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एमंग लोअर बाउंड ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यानी ये क्या है, ये आपका लिमिटिंग पोजिशन होगा, यानी जहां आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा ठीक है, यानी वो अंदर चला आएगा। देखिए ध्यान दीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सेट है ठीक है ना, तो अगर कोई सेट है ऐसा ठीक है, उस एग्जांपल से भी मैं क्लियर कर दूंगा ये सेट है ठीक है, तो सेट में जो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ठीक है वो एकदम, देखिए जैसे मान लीजिए ये है आपका एम ओके, तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहलाएगा, जब पहले कि एस का सारे एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए, एस का जो भी सारा एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए इससे बड़ा ठीक है ओके। अच्छा अब जैसे ही एम में हम कुछ ऐड करते हैं, मतलब चूंकि एम इधर का वैल्यू है, जैसे ही हम एम में ऐड करेंगे ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि एम में प्लस एप्सिलॉन ऐड करते ही क्या हो जाए, एम अंदर चला आए ठीक है, और फिर कुछ ना कुछ वैल्यू हमको एम प्लस एप्सिलॉन के बाद मिले, यानी एम प्लस एप्सिलॉन अब क्या है, अब लोअर बाउंड नहीं रहेगा ठीक है ना, यानी उसमें कुछ ना कुछ हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे, तो चूंकि ये बाउंड्री था लिमिटिंग था, तो प्लस करते ही चूंकि आपको पता है कि प्लस करने के बाद इधर वैल्यू इंक्रीज करता है एक्स एक्सिस में ठीक है ना, इधर क्या होता है जैसे 1 2 3 4 5 तो कुछ भी ऐड करेंगे, स्मॉल वैल्यू भी ऐड करेंगे एम में, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर बाउंड्री का वैल्यू नहीं रहेगा ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं रहेगा, और हमको कोई ना कोई जो है फिर इसका एक एलिमेंट कम से कम जरूर मिलेगा ठीक है, जो क्या हो जाएगा अब एम प्लस एप्सिलॉन उससे बड़ा हो जाएगा, हो सकता है यहां पे फिर हमको कोई एक्स मिलने लगे ठीक है, यहां पे कोई हमको एक्स मिल सकता है जिससे क्या हम लोग देख रहे हैं कि एम प्लस एप्सिलॉन अब बड़ा हो गया ठीक है ओके। तो यही चीज है, तो बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन किया गया है जैसे कि आपका जो है लीस्ट अपर बाउंड डिफाइन किया गया था ठीक है, तो एग्जाम्पल वही ले लेते हैं हम लोग और इसको क्लियर कर लेते हैं ठीक है। आइए देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल ठीक है, वही एग्जाम्पल लेंगे, लेट एस इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट इट इज इन बिटवीन 1 टू 6 ठीक है,
ओके तो अब आप देखिए यहां पे जो लोअर बाउंड है वो क्या है, लोअर बाउंड्स ऑफ एस, तो यह मैं आपको बता चुका हूं कि -4 -3 -2 -1 ये सब नेचुरल नंबर ले रहा हूं, हालांकि जो जैसे 1 है ठीक है, तो 1 से जस्ट जो छोटा है 0.999999 वो भी लोअर बाउंड है रियल वैल्यू में, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। तो ये सब सारा जो है वो क्या है, वो लोअर बाउंड है ठीक है सब, इस चूंकि ये सब जितना भी वैल्यू है सब ये सब सेट के पूरे वैल्यू से क्या है छोटा है, और वन भी है क्योंकि वन से सारा वैल्यू क्या है इसका बड़ा है ठीक है, तो वन क्या है लोअर बाउंड, और इसमें अटेंड भी करता है चूंकि इसलिए कि वन इसका जो है अगर देखा जाए तो इस सेट का सबसे छोटा वैल्यू है ठीक है। तो ये हो गया लोअर बाउंड, तो इन लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है आप देखिएगा, तो ये इधर बढ़ रहा है ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है आपका वन, तो हम लोग क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एमोंग लोअर बाउंड्स क्या है वन, देयरफॉर जो आपका जीएलबी कहलाएगा, जीएलबी, जीएलबी का मतलब क्या होता है इनफिमम ऑफ द सेट एस, ये क्या कहलाएगा वन ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझना आसान है ओके। और अगर आप लोग सेट में भी देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा सेट है यहां पे ये है देखिए 1 to 6, 1 से लेकर के है 6 तक ठीक है, ये 1 है ये 6 है, ये है मेरा सेट S, तो यानी 1 क्या है 1 इसका लिमिटिंग वैल्यू है ना, और यहां पे इसका GLB है यानी इनफिमम है लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है ठीक है ओके। तो अब जाहिर सी बात है कि M में अगर हम कुछ 1 में कुछ भी ऐड करेंगे एप्सिलॉन, अगर 0.1 भी ऐड करते हैं तो 1.1 आ जाएगा, और आपको पता है कि ये मेरा सेट 1 से 6 तक है, तो 1 के बाद 1.00001 ये हमको एक एलिमेंट मिल सकता है ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा 1.01 ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे ठीक है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डेफिनेशन याद रखिए ठीक है, और जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है उसको आप समझिए ठीक है, और बाकी जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ये चूंकि एक अच्छा टॉपिक है और आपको ये हर जगह आपको समझाया भी नहीं जा सकेगा, इसलिए कि मतलब कि ये सब एक अच्छा टॉपिक है और काफी कंफ्यूजन हर जगह क्रिएट किया जाता है, तो मैं आपको काफी बेस्ट वे में समझा रहा हूँ ठीक है। आप इस तरीके से मेरा कॉन्सेप्ट को रखिए और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आपका और भी ज्यादा फाइन होता जाएगा ठीक है, तो इसको आप नोट्स बना लीजिए और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।